अब बेटा बात कर अपन क्या देख रहे हैं, ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, है ना। किसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बताओ, ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बेटा रिएजेंट पर और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, एरोमेटिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपन ने क्या देखा था, अगर बेंजीन को बेगुड़े बात की कोई जेड ग्रुप जुड़ा हो, जेड मतलब कैसा है, लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, लाइक कैसा है, ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा है। अब उसके पीछे पर ओएच हो, फिनॉल, ओएच हो मतलब फिनॉल हो, ओआर हो मतलब बेटा बात करके हो एल्कोक्सी बेंजीन हो, एनएच टू हो एनिलीन हो, नाइट्रोजन जुड़ा होना चाहिए, एनएच टू है, एनएच आर है, एनआर टू है, मतलब बेटा बात केमिन डेरिवेटिव है। मैंने कहा दीदी हेलोजन है, क्लोरो ब्रोमो, दीदी बात क्या, जो भी हो, या फिर आर ग्रुप हो, आर मतलब क्या होता है, एल्किल, मैथिल एथिल, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़े हैं, ये गुड़े बात किसके द्वारा, एच इफेक्ट के द्वारा, और ये किसके द्वारा, आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट के द्वारा, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा क्या शो करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए गुड़े बात करें, अगर कोई ऐसे ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन पे जुड़े हुए हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्शन मतलब है कि ऑर्थो और गुड़े बात के पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। तो अपने क्या लिखा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, कौन, ये वाले ग्रुप, ये मतलब आर ग्रुप, याद रखना। ये आपको याद नहीं रहता, ये तो जरूर याद रह जाता कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा है, लेकिन आर हम भूल जाते हो, इस पे बहुत रिएक्शन करवाता है वो, एच इफेक्ट के द्वारा, याद है अपने पढ़ा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बुरे बात कर तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे Cl पॉजिटिव हो, NO प्लस, NO टू प्लस हो, बुरे बात नाइट्रोनियम आयन है ये, है ना, नाइट्रेशन जब करते हैं तो इसको जोड़ते हैं। अच्छा लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए कैसा है बताओ बेटा, बात करें मेटा पोजिशन, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप यहाँ जुड़ा तो गुड़े बात को ऑर्थो और बेटा पैरा ऑर्थो पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है बाई ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड हो, एसिड हो, एस्टर हो, नाइट्रो ग्रुप हो, साइनाइड हो, ठीक है, तो गुड़े बात करें ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप किसके ऊपर, जब बेंजीन के ऊपर होते हैं, वाई मतलब बेंजीन के ऊपर बाई जुड़ा, बाई मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एनओ टू ग्रुप, साइनाइड, क्या बोला, ऐसा गुड़े बात करें ग्रुप जिसमें जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है वो वाला एटम अपने से आगे किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा, मतलब अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, जैसे इसमें कार्बन नाइट्रोजन जुड़ा है, जैसे इसमें बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो गुड़े बात करें ये वाले, और जैसे इसमें एस्टर में देखो गुड़े कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है एल्डिहाइड में, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कार्बन पॉजिटिव आएगा, तो फिर ये कार्बन जो है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगर ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर चला गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, फिर ये बेटा बात कर पता है वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये वाला पाई बॉन्ड इसकी कमी पूरा करने के लिए उतरा तो इस पे पॉजिटिव, मतलब ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन पे क्या जाएगा बताओ गुड़े बात कर, पॉजिटिव आएगा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ऑर्थो पैरा अटैक नहीं करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, तो ये वाले ग्रुप बेटा बात करें मेटा डायरेक्टर है किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है, लेकिन आपको रिएक्शन कौन से सीखने को मिलनी है, इलेक्ट्रोफिलिक, कौन से मिले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इनके बाहर क्वेश्चन जाता भी नहीं है। लेकिन दीदी मैं आपसे कुछ एक चीज बोलना चाह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है बेटा बात करें कि बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अपन अटैक करा थे बेटा बात करें, किसका अटैक करा रहे, ये बेंजीन, बेंजीन पे अपन अटैक कराते हैं किसका, Cl2 का, Cl2 के रिएक्शन कराते हैं, Cl2 पर किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा एच न्यू, एच न्यू मतलब जानते हो सनलाइट, क्या बोलते हैं इसको, सनलाइट या परोक्साइड, क्या लिया बेटा बात कर, परोक्साइड की प्रेजेंस, तो क्या बनेगा, यहां भी मैं Cl2 की रिएक्शन करा रहा हूं लेकिन किसके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। अब मुझे बताओ यहां पे रिएक्टिंग स्पीसीज क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, पर यहां प्रेजेंस किसकी है, सनलाइट या परोक्साइड की, यहां किसकी प्रेजेंस है, लुइस बेस एसिड की, किसके, फर्क नहीं पड़ता, फिर Cl3 बोलो, अगर AlCl लिख देता तो ZnCl2 दे तो SnCl2 दे तो फर्क इस बात से पड़ता है कि जो है वो कौन है, लुइस एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, यहां तो आपको पता ही दिख ही रहा, अभी आपने रिएक्शन ही कराई थी याद है क्लोरोबेंजीन की, तो क्या बन जाने बेटा बात, ऑर्थो और पैरा बनेगा, क्या काय का ऑर्थो पैरा, केवल आपको गुड़े बात कर यहीं पे जोड़ना है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, मतलब आपने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, क्या बना दिया, गुड़े बात कर नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा देता हूँ उसमें, क्लोरोबेंजीन बेंजीन का तो मैं करा ही चुका था ना, इसमें मैं अगर लगा दूं बेटा बात कहें CH3 टोलुइन की रिएक्शन कर, टोलुइन पे रिएक्शन कराना है, टोलुइन, क्योंकि बेंजीन पे तो आपको पता है कहीं भी जोड़ दोगे आप, अगर टोलुइन दूं तो अब बताओ मुझे, टोलुइन अगर दूं तो मैं क्या बनाओगे आप,
ऑर्थो या पैरा, बिल्कुल। आने वाला बेटा बात करें इसमें दीदी, जो अटैकिंग स्पीशीज है वो कौन है, वो है सीएल पॉजिटिव। कौन है बेटा? क्योंकि इसके एक सीएल नेगेटिव को कौन ले लेगा, एफ ई लेगा, किसको लेगा, सीएल नेगेटिव को। तो यहां पे क्या बचेगा, सीएल पॉजिटिव। तो अटैकिंग स्पीशीज कौन है, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरिनियमाइन, पूरे बात कर। और यहां पे बेटा बात कर, ये बन जाएगा या तो ऑर्थो पे छोड़ दो या तो आपने इसको कहां जोड़ा, ऑर्थो पर, या तो कहां जोड़ा, पैरा पर। माइनर कौन है और मेजर कौन है, क्यों, बिल्कुल, लेस डिस्टेंस मोर रिपल्सन मिनिमम स्ट्रगल। दो बल की ग्रुप में बेटा बात करें, मोर डिस्टेंस मिनिमम रिपल्सन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मोर फॉर्म। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, दो बड़े ग्रुप अगर दूर दूर है तो रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है तो पूरे बात करें बता, स्टेबल ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है तो ज्यादा। अगर ये 20% है तो दीदी ये कितना, 20 से कम है। अगर ये 80% है तो ये 80 से कम है। अगर ये 90% है तो ये 90 से कम है। मैंने ये नहीं कहा 100 में से कि तुम हमेशा लो, चलो 100% लेके चलो, तो ये 80 है तो ये 20 है, ये 90 है तो ये, समझ पा रहे हो, 10 10 को बोलते हैं, ठीक है। तो दीदी टेंशन में आ गई कि 10 बोलते हैं, 10 तो बोले नहीं किसी ने, तो मैंने बोला कि 10 10 को ही बोलते हैं, ठीक है। सोचो लोग ऐसे ऐसे शौक भी दे देते हैं, अपन सोच के बैठे 10, लोग कह रहे 10, दिमाग खराब नहीं हो जाता कि मेरा आंसर किधर गया, मैं सही था कि गलत था, मेरा आंसर तो किसी ने बोला ही नहीं। तो समझ में आ रहा है, 10 10 को ही बोलते हैं। आ जाओ, तो ये 90 है तो ये 10 है, ये गुड़े 80 है तो ये 20 है, ये 95 है तो ये 5 है, समझ पा रहे हो दीदी बात करें। हाँ फिर कोई नोटंकी कर रहा है, 97 है तो ये 3 है, ये 99 है तो ये 1 है, सीधी सी बात है। और दीदी बात कर, रहता भी इतना ही रेशो है, 80-20 का लगभग रहता है, 95-5 का रहता है बेटा बात करें। मतलब ये जरूर आपको याद रखना है, ये तो आप याद रख लोगे। अच्छा यहाँ क्या बनेगा बेटा बात करिए, आपको पता है यहाँ तो होगा दीदी हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि क्लोरीन टूटा है सीएल प्लस और सीएल माइनस में, अटैक करने वाला सीएल प्लस था क्योंकि वो कौन था, इलेक्ट्रोफाइल। कौन था बेटू, इलेक्ट्रोफाइल, बहुत बढ़िया। और आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर कभी ये वाला ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन के ऊपर लोन पेयर वाला तो जुड़ा है, वो तो ऑर्थोपेरा है ही, लेकिन आर ग्रुप भी तो ऑर्थोपेरा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया हमारे पास, ठीक है। पैरा क्लोरो गुड़े बात करें, टोलुइन बना, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन बनाना, आपको दोनों है, लेकिन अगर अभी एक दे रखे तो फिर अपन मेन किसको मानेंगे, मेजर। यहां पे क्या होगा, होमोलाइसिस, याद है ना, ये क्या कर रहा था बेटा, होमोलाइसिस कर रहा था, गुड़े बात करें क्या कराएगा, होमोलाइसिस, ठीक है, होमोलाइसिस कराएगा। तो कंडीशन बताओ, गुड़े बात करें, होमोलाइसिस अगर होगा तो कहां पे होगा, गुड़े बात करें बाहर का कारण करेगा होमोलाइसिस, ये करेगा होमोलाइसिस। इसका मतलब कंडीशन क्या है, अगर कभी सनलाइट की रिएक्शन दे देगी और बेंजीन के ऊपर कोई दीदी दूसरा आर ग्रुप हुआ तो बेंजीन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, बेंजीन कभी नहीं चाहेगा कि उसका बॉन्ड टूटे। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो वो बेटा बात करें कौन रिएक्शन करेगा इसमें, बाहर का, बाहर का ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप, यही केवल रिएक्शन करेगा और बनेगा यहां पर क्या, बेंजिल बेंजीन, क्या बनेगा, या क्लोरो बेंजिल क्लोराइड, क्या बनेगा, बेंजिल क्लोराइड। यहां पे देखो ना, ये बेंजीन आ गया, आ गया बेंजीन तो आ गया, ये जरूर आपको याद रखना बेटा। यहां क्या था तो बुढ़े बताओ, CH3, तो CH2 का हाइड्रोजन जाएगा और यहां पे कौन जुड़ेगा, क्लोरीन। इसको अपन क्या बोलते, जल्दी बोलो, बेंजिल क्लोराइड, क्या बोलते, क्योंकि बेंजीन ग्रुप CH2 तो क्या होता है, बेंजिल ग्रुप होता है, तो ये बना बेटा बात करें बेंजिल क्लोराइड, क्या बना, बेंजिल क्लोराइड। ये तुम्हें खास कर याद रखना। चलो छोटी सी बात है दीदी, यही उठा लेते अपन, अगर बेटा बात करें बेंजीन ही हो, बेंजीन ही हो, ये दो रिएक्शन की कास्ट तो यहां भी अपन कर सकते हैं, कि अगर बेटा बात करें सनलाइट HNO या गुड़े बात करें परोक्साइड, परोक्साइड की प्रेजेंस में मैं क्लोरीन की रिएक्शन कराऊं। यहां बेटा बात करें क्या है, वही क्लोरीन की रिएक्शन कराए, किसकी प्रेजेंस में, FeCl, मतलब लेविस एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा यहां, तो क्या यहां का तो आपको याद ही है, लेविस एसिड की प्रेजेंस में क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता है, ये लेविस एसिड करता है ना पैदा, गुड़े बात करें तो यहां पे अटैक किसको करना है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब सीएल पॉजिटिव को, बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव किसी भी अटैक कर सकता है, जैसे आपने ये वाले बॉन्ड बनाए, माना बेटा बात कि इस बॉन्ड को ये कार्बन ले रहा है, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा सीएल, यहाँ क्या बनेगा आपका, क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो आपको आता है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन गुड़े बात करिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो होमोलाइसिस होना है, होमोलाइसिस होना तो यहाँ होता है बेटा बात का, ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। पर दीदी यह होती है फ्री
रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या होती है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओ एडिशन रिएक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, ये बेटा बात का हर जगह कौन है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन। मैंने कहा यहां भी क्या है और वहां भी क्या है और इधर भी क्या है, ये वाली कंडीशन कुछ समझ में आ रहा है। अगर होमोलाइसिस होगा, गुड़िया बात करें, अगर क्लोरीन होमोलाइसिस के द्वारा टूट रहा है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बेटा बात करें, दोनों क्लोरीन अलग हो रही है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना इलेक्ट्रॉन, क्या पैदा हो गया बताओ बेटे बात करें? 2Cl फ्री रेडिकल। अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने की जरूरत है? एक की। तो वो भी दीदी फ्री रेडिकल किस पर अटैक करेगा? फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा। ना मैं किसी को देना चाहता हूँ, ना किसी से लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर पॉजिटिव है तो मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर नेगेटिव तो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मेरे ऊपर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मेरे पास एक की कमी है, तो सीधी बात है मैं आपसे एक बॉन्ड शेयर करना चाह रहा हूँ। आप भी फिर मुझे उसी नेचर के चाहिए। अगर मैं आपको देना चाह रहा हूँ तो फिर आप मुझे पॉजिटिव चाहिए, अगर मैं आपसे लेना चाहूँ तो आप मुझे नेगेटिव चाहिए, लेकिन आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ तो अभी मुझे न्यूट्रल चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव के पास अगर न्यूट्रल चला गया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कंडीशन क्या करें? कर दो, यहां बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसका इसके पास और इसका इसके पास, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, होमोलाइसिस होगा ना, इसका इसके पास और इसका इसके पास। तो इसका मतलब दीदी इस तरीके से सारे बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटने के बाद आपके पास पता है क्या कहानी बची? इसका अपना इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूट गया ना एक, जब ये बॉन्ड टूटा था, ये वाला बॉन्ड, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन, जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन। अब बुरे बात को सोचो, एक क्लोरीन इधर आएगा, क्लोरीन आया ना इधर, अपना इलेक्ट्रॉन लेके शेयर किया, दूसरा क्लोरीन इधर आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके उसमें शेयर किया। मतलब इस तरीके से हर कार्बन से कौन कौन जुड़ता जाएगा? एक एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा। तो क्या बन गया बताओ मैडम? बात करें C6H6Cl6, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर मैडम बात करें फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है तो बनने क्या है बेटा बात करें? बनना है दीदी आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर, हर कार्बन पे एक क्लोरीन और उसका एक हाइड्रोजन। हर कार्बन पे दीदी एक कौन है? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन कौन है बेटा जल्दी बोलो? क्लोरीन। कौन है गुड़िया? क्लोरीन। और कौन है? क्लोरीन। और बाकी एक उसका हाइड्रोजन है ही, वो तो आपको दिख ही रहा है, उसका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन, समझ में? सबका हाइड्रोजन उठा के देखो क्या स्ट्रक्चर बना आपके पास। स्ट्रक्चर बना आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, C6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और Cl भी 6। इसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या बोलते हैं? तो इसी को दीदी अपन बोलते हैं BSC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसी को बोल सकते हैं लिंडेन। क्या बोलते हैं? लिंडेन। इसी को बोलते हैं गैमेक्सीन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सीन। ये दीदी एक इंसेक्टिसाइड है। क्या बेटा? इंसेक्टिसाइड। तो BHC, गैमेक्सीन, लिंडेन और 666। क्या बोलते हैं? 666। 666 क्यों? 666 के नाम से मार्केट में आता है ये। 666, लिंडेन, गैमेक्सीन और BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये ऐसा है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन वो पूछेगा जरूर, पर एक कहीं 11th में एक कहीं 12th में, समझ पा रहे हो? इसे मैंने आपको एक जगह बता दिया कि अगर वही आपका बेंजीन है उस पर वही क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। एक बार क्लोरीन अटैक करने आया इस दोस्त के साथ, किसके साथ? लेविस एसिड के साथ। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्लोरीन पैदा हो रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन दे रहा है। भाई दूसरी बार उसी बेंजीन पर वही क्लोरीन जोड़ने आया, लेकिन कंडीशन अलग लेके आ गया। कंडीशन किसकी आई? परोक्साइड या फिर बेटा बात कर रहे हैं सनलाइट की। और ये दोनों ही कंडीशन बेटा बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। फ्री रेडिकल की अगर प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आती है, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में पैदा होता है बेटा बात करें क्या आपके पास? BHC। BHC का मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 666, 666 मतलब 16 कार्बन का है, 16 हाइड्रोजन का, 16 क्लोरीन का है, तो मतलब 666666, उसी को लिंडेन बोलते हैं। मार्केट में ये इंसेक्टिसाइड है। क्या है बेटा बात करें? इंसेक्टिसाइड। तो आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो फ्री रेडिकल एडिशन देना है, और अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक बुढ़े बात कर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पक्का हो पाएगा, नोट कर उसको फटाफट फटाफट बेटा बात कर। ये रिएक्शन याद रखना है।
अगर बेटा बात करें, पता है होमोलाइसिस हुआ और बेंजीन के बाहर कार्बन हुआ तो बाहर वाला रिएक्शन ज्यादा इजीली दे पाएगा, अंदर वाले क्योंकि बेटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े तो वो इजीली रिएक्शन नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खासकर याद रखना इसको, नोट करो फटाफट।